गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट लेसन लेसन नंबर फिफ्थ अ हीरो, एक हीरो या एक नायक की जो कहानी है वो हम पढ़ रहे हैं। कुछ इम्पोर्टेंट इस तरह मीनिंग मैंने ग्रीन बोर्ड पे लिखी है। पाथ हिंदी में हम पथ कहते हैं ना, इंग्लिश में पाथ कहते हैं, ठीक है ना। हाँ, पाथ और वे ये सिनोनिम है, सिमिलर वर्ड है, ठीक है ना। दोनों का अर्थ होता है मार्ग, वे का कई बार पूछा जाता है, ठीक है ना। वे का तो पाथ होता है, कई बार सिम और सिम का सिम के लिए पूछा है, इसके लिए देखा है ना कि कॉमन वर्ड है, ज्यादा लंबी स्पेलिंग नहीं है बट पूछा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है कंजम्प्टिव। कंजम्प्टिव का अर्थ होता है टीवी से पीड़ित व्यक्ति, जो बहुत दुर्बल हो जाता है। पैसेज और कॉरिडोर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, गलियारा, ठीक है, गलियारा के लिए ये वर्ड यूज होता है। अपने इंडिया में कॉरिडोर बने हुए हैं, घोड़ों वाले कॉरिडोर जो बने हैं, तो स्वर्णिम चतुर्भुज गलियारा जो बना हुआ है, जब आप ऐसे वगैरह में पढ़ते हैं तो कॉरिडोर वर्ड यूज, ठीक है। पैसेज और कॉरिडोर सिनोनिम वर्ड है। जेस्टिक्युलेशन वर्ड होता है जेस्चर, जेस्चर का मतलब होता है संकेत, हाव भाव से हाव भाव की मर्जी के सारे से। तो जेस्टिक्युलेशन का मतलब होता है संकेतों से या भंगी मांगों से शरीर से या किसी चीज के इशारे से कोई बात को बताना है, दैट वन इज जेस्टिक्युलेशन। ओके, आर्मर, आर्मर का मतलब होता है कवच, ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड है इंस्टांस और एग्जाम्पल, दोनों का होगा उदाहरण, ठीक है। इंस्टेंट सिंगुलर वर्ड है। ब्रीद बी आर ई टी एच ई वर्ब है, अगर ई पीछे नहीं होता तो ये नाम होगा, क्या नाम। ब्रीद रेगुलर वर्ब है, ब्रीद ब्रीद। ओके, थ्रोट, थ्रोट का होगा गला, टी एच आर ओ ए टी। हम कई बार कान नाक गला के लिए दिखा रहा होगा, उसका जो स्पेसिफिक डॉक्टर होते हैं वो अलग होते हैं और उन हॉस्पिटल के ऊपर लिखा रहता है ईएनटी हॉस्पिटल, ठीक है ना। हाँ, राजी का ईएनटी हॉस्पिटल, मैं किसी हॉस्पिटल का प्रचार नहीं कर रहा, मैंने मन से जैसे कहा है ईएनटी हॉस्पिटल। तो ये ईयर नोज, ई गोज फॉर ईयर, एन गोज फॉर नोज एंड टी गोज फॉर थ्रोट। ई एन टी हॉस्पिटल, कान नाक वे गला अस्पताल या कान नाक गला रोग विशेषज्ञ जहाँ बैठते हैं उस हॉस्पिटल को ईएनटी हॉस्पिटल कहते हैं, ठीक है। हम इस लेसन को हीरो को पढ़ना शुरू करते हैं, आप लाइन टू लाइन मेरे साथ बने रहे। 59 पेज से हम इसे शुरू करते हैं। फोर स्वामी इवेंट्स टूक एन अनएक्सपेक्टेड टर्न। फोर स्वामी इवेंट्स टूक एन अनएक्सपेक्टेड टर्न। स्वामी के लिए घटनाओं ने आशा के विपरीत मोड़ ले लिया। फादर लुक्ड ओवर द न्यूज़पेपर, ही वॉज रीडिंग अंडर द होल लेंथ एंड सेड, स्वामी लिसन टू दिस न्यूज इज टू हैंड ऑफ द ब्रेवरी ऑफ ए विलेज लैड हू वाज रिटर्निंग होम बाय द जंगल पाथ कैन फेस टू फेस विद टाइगर। द पैराग्राफ डिस्क्राइब्ड द फाइट द बॉय हैड विद द टाइगर एंड इज फ्लाइट अप अ ट्री वेयर ही स्टेड फॉर हाफ अ डे टिल सम पीपल कैम दैट वे एंड किल्ड टाइगर। इसी पैराग्राफ में पाथ और वे दोनों वर्ड को लिखा गया, ठीक है। तो पिताजी ने उस अखबार से नजर उठाई जिस अखबार को वे बोल के एक लैंप की रोशनी में पढ़ रहे थे। पिताजी ने कहा, स्वामी जरा इसे सुनो,
समाचार एक ग्रामीण लड़के की बहादुरी की सराहना का है। जब वह जंगल के मार्ग से होकर अपने घर लौट रहा था तो उसका किसी बाल से आमना सामना हो गया और इस पैराग्राफ में उस बाल के साथ लड़के की लड़ाई का विवरण दिया गया था, जिसमें कि उस बाल से लड़ते लड़ते वह भाग कर एक वृक्ष पर चढ़ गया और वहाँ वह लड़का आधे दिन तक रहा, जब तक कि कुछ लोगों ने वहाँ पहुँच कर उस बाघ को मार नहीं डाला। तो इस प्रकार स्वामी के पिताजी उस न्यूज़पेपर में से ये पढ़ रहे थे। तो डिस्क्राइब का मतलब होता है वर्णन करना, डिस्क्राइब रेगुलर वर्ब है, ठीक है ना। पास का सिंगुलर हमने लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रेवरी बहादुरी के लिए वर्ड यूज होता है, इसका इम्पोर्टेंट इसका सिनोनिम कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ब्रेवरी का गैलेंट्री होता है और कई बार बच्चों को गैलेंट्री अवार्ड भी दिए जाते हैं। पीएम सर इनको, प्रधानमंत्री महोदय बच्चों को सम्मानित करते हैं, तो गैलेंट्री अवार्ड दिए जाते हैं। इस बार राजस्थान में भी शायद किसी को मिला था, मुझे कन्फर्म तो नहीं है, पर शायद इस साल या गई साल राजस्थान से भी बच्चे को गैलेंट्री अवार्ड दिया गया था। और हमारे इंडिया में जो बच्चे साहसिक कार्य करते हैं उनको उनकी ब्रेवरी के लिए गैलेंट्री के लिए गैलेंट्री अवार्ड दिया जाता है। ओके, तो ये एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है, आप अच्छे से समझ रहे होंगे। हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, आप लाइन लाइन में बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी, ज़्यादा ऐसे ही इसमें हार्ड नहीं है, सिंपल पास्ट टेंस वगैरह दिया हुआ है ज़्यादातर और सेकंड फॉर्म हो गई है और कई कई पास्ट परफेक्ट भी दिया हुआ है। After reading this through, father took the swami fixedly and asked. इसे पूरी तरह पढ़ लेने के बाद पिताजी ने स्वामी की ओर ध्यान से देखा और पूछा, What do you say to that? तुम्हारा इस विषय में क्या कहना है? स्वामी said, I think he must have been a very strong and grown up person, not at all a boy. स्वामी ने कहा, मैं समझता हूँ कि वह कोई लड़का तो बिल्कुल नहीं होगा, वह अवश्य कोई बहुत शक्तिशाली वैसे व्यक्ति रहा होगा। ओके, how would a boy fight a tiger? एक बच्चा या कोई बच्चा बाघ से कैसे लड़ सकता था? फाइट इज अ वर्ब, फाइट की सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है फोट, FOUGHT, फाइट फोट फोट, फाइट फोट फोट। कई बार हमने ये इसकी पास टेंस की चीज होती है, फाइट फाइट इज अ वर्ब, लर्न वर्ब, learn. Second form is force, FOUGHT, and third form is force, FOUGHT. Fight, force, fight, force. Okay. Next paragraph. You think you are wiser than the newspaper? Father sneered. Sneered. स्नेयर का मतलब है व्यंग्यतम या व्यंग्य करते हुए रहते में कहना। स्नेयर जो वर्ड है उसको पीछे ग्लोसी में समझाया गया है,
यहाँ देखो स्नियर स्पोक इन टॉन्टिंग वे, हाँ व्यंग्य करते हुए बोला स्नियर, ओके स्पोक स्पीक सेकंड फॉर्म स्नियर की सेकंड फॉर्म स्नियर स्नियर होगा स्पोक एस एन डबल ई आ ओके तो स्नियर यू थिंक यू आर वाइजर देन द न्यूज़पेपर फादर स्नियर तुम अपने आप को इस समाचार पत्र से अधिक बुद्धिमान समझते हो पिताजी ने व्यंग्य करते हुए या व्यंग्यात्मक लहजे में कहा अ मैन मे हैव द स्ट्रेंथ ऑफ एन एलिफेंट एंड येट बी अ कॉवर्ड कोई व्यक्ति हाथी जैसा बल पाकर भी काय और डरपोक हो सकता है वेयर इज अनदर मे हैव द स्ट्रेंथ ऑफ अ कंसम्प्टिव बट इफ ही हैज करेज ही कैन डू एनीथिंग जबकि दूसरा व्यक्ति चाहे वो टीवी से पीड़ित व्यक्ति की ताकत वाला भले क्यों न हो किंतु यदि वह साहसी है तो कुछ भी कर सकता है करेज इज एवरेजिंग स्ट्रेंथ एंड एज आर नॉट इम्पोर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट करेज इज एवरीथिंग स्ट्रेंथ एंड एज आर नॉट इम्पोर्टेंट शक्ति और आयु महत्वपूर्ण नहीं है हिम्मत ही सब कुछ है साहस ही सब कुछ है स्वामी डिस्प्यूटेड द थ्योरी स्वामी डिस्प्यूटेड द थ्योरी स्वामी ने इस सिद्धांत का खंडन किया हाउ कैन इट बी फादर ये कैसे हो सकता है पिताजी सपोज आई हैव ऑल द करेज व्हाट कैन आई डू इफ अ टाइगर शुड अटैक मी मान लो मेरे अंदर भरपूर साहस है फिर भी कोई टाइगर मेरे ऊपर हमला कर दे तो मैं क्या कर सकता हूँ स्वामी ने पिताजी से ऐसा क्वेश्चन किया लीव अलोंग स्ट्रेंथ कैन यू प्रूव यू हैव करेज ताकत की बात छोड़ो क्या तुम साबित कर सकते हो कि तुम्हारे अंदर साहस है लेट मी सी इफ यू कैन स्लीप अलोन टुनाइट इन माय ऑफिस रूम आओ मैं देखता हूँ कि क्या आज की रात तुम मेरे ऑफिस वाले कमरे में अकेले सो सकते हो स्लीप वर्ब है सोना के लिए स्लीप की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है स्लेप्ट स्लेप्ट स्लीप स्लेप्ट स्लेप्ट स्लीप सोना इट इज वर्ब सोना स्लेप्ट एस एल ई इट इज स्लेप्ट स्लेप्ट इसी प्रकार से डी होता है डी डी रोमा वेट आई फॉर सी सर्च वी वेट वेट ओके चलते हैं नेक्स्ट A frightful proposition Swami thought. A frightful proposition Swami thought. Swami ने सोचा बहुत ही डरावना प्रस्ताव है. He had always slept beside his granny in the passage and any change in this arrangement kept him ट्रेवलिंग अवेक और नाइट वे तो हमेशा अपनी दादी के साथ बिरयानी में सोया करता था और इस व्यवस्था में किसी प्रकार के परिवर्तन से उसे रात भर कम कपाता और जागता रहने की स्थिति बन गई थी He hoped at first that his father was only
चौकी। पहले तो उसे लगा कि उसके पिताजी केवल मजाक कर रहे थे। He mumbled weakly yes and tried to change the subject. He said very loudly and with a great deal of enthusiasm. पर धीरे से बुदबुदाया, हाँ, और इस चर्चा का विषय बदलने का प्रयास किया। वह बहुत जोर से और अत्यधिक उत्साह के साथ बोला, We are going to admit one headers in our cricket club hereafter. हम लोग अब से अपने क्रिकेट क्लब में बड़े लोगों को भी शामिल करने जा रहे हैं। We are buying brand new bats and balls. हम बिल्कुल नए बल्ले और गेंदे खरीद रहे हैं। और कैप्टन has asked me to tell you. हमारे कप्तान ने आपको ये सब बता देने के लिए मुझसे कहा है। आपको उसने कुछ अलग से घुमाने का प्रयास किया, जैसा कि सारे बच्चे करते हैं। तुम भी घर में मम्मी पापा को ऐसे ही घुमाने का प्रयास करते हो। जब भी वो पढ़ने की बात करते हैं तो तुम कपड़ों की, बारिश की और मासी बुआ की बातें ऐसे करके और बुआ का कॉल आया था ऐसे ऐसे करके उन बातों को घुमा के बारिश आ रही है ऐसे करके थोड़ा मासूम मुख्य मुद्दे से हटाने की कोशिश करते हो। ठीक है ना, बच्चों की इसी नेचर होती है। We will see about it later, father but him. हम इस विषय पर हम लोग बाद में विचार करेंगे। पिताजी ने बात को बीच में काटा। You must sleep alone hereafter. अन्यथा तुम्हें अकेले ही सोना है। स्वामी ये लेट द मैटर हैड गॉन बियॉन्ड हिज कंट्रोल। स्वामी को महसूस हुआ कि बात उसके नियंत्रण के बाहर जा चुकी थी। हैड गॉन पास परफेक्ट टेंस है। स्वामी ये लेट द मैटर हैड गॉन बियॉन्ड हिज कंट्रोल। स्वामी ने सोचा, महसूस किया कि बात उसके नियंत्रण से बाहर जा चुकी थी। फ्रॉम माई चैलेंज इट हैड बिकम ए प्लान कमांड। He knew his father's tenacity at such moments. एक चुनौती से आगे बढ़कर यह निष्कर्ष आदेश बन चुका था। ऐसे समय में वे अपने पिता की हट से परिचित था। टेनेसिटी का मतलब होता है हट, दृढ़ता, डिटर्मिनेशन या फर्मनेस, टेनेसिटी। तो आज हमने इस पेज नंबर 59 पर इन सारे पैराग्राफ को पढ़ा। स्टोरी टाइप का लेसन है, बहुत ही अच्छा लेसन है। एग्जाम में इसमें से सवाल भी आता है। आप इसकी स्पेलिंग मीनिंग याद करें, वीडियो को देखें, ग्रीन बोर्ड पे जो भी मैंने लिखा है आप आपकी नोटबुक में इसे लिख लें अच्छे तरीके से, और रेगुलर मेरे वीडियो को देखते रहे, मेरे साथ बने रहे। थैंक यू।